हेलो बच्चों, आई एम शेख तैयब एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जीनियस साइंस क्लासेस। एंड टुडे इज द 10th लेक्चर ऑफ चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं टॉपिक मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। और पहले तो हम मेजरमेंट ऑफ प्रेशर क्या है इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। बच्चों, वो सारे इंस्ट्रूमेंट जिससे प्रेशर मेजर किया जाता है उसे हम प्रेशर मीटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कुछ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपके सामने रखा हूँ जिससे हम डिफरेंट टाइप्स के प्रेशर मेज़र करते हैं, गेज प्रेशर मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट के कुछ इमेजेस दिखाया हूँ मैंने आपको जिससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। आप देख सकते हैं ये इंस्ट्रूमेंट, जैसे डॉक्टर जो है ब्लड प्रेशर मेज़र करता है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं टायर में कितनी हवा भरे हैं हमने, तो गेज प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर मीटर भी मिलता है, ठीक है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग एसी में और रेफ्रिजरेटर में कितना गैस हमने फिल किया उसका प्रेशर जो है मेज़र करते हैं, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट को हम प्रेशर मीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट गेज प्रेशर मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं मर्क्यूरी बैरोमीटर, ठीक है। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर में मेन रोल ये मर्क्यूरी का होता है बच्चों। और ये यहाँ पर मर्क्यूरी बैरोमीटर के भी कुछ इमेजेस मैंने आपको दिखाया हूँ, तो आपको टॉपिक को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने में ईजी होगा। तो ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, इसके इमेजेस हैं जिससे आप मर्क्यूरी बैरोमीटर समझ सकते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मर्क्यूरी बैरोमीटर भी यूज़ होता है। और मेन ये जो मर्क्यूरी बैरोमीटर, इसका ये देखो ये डायग्राम है। कॉलेज के लैब में हम लोग प्रैक्टिकल लैब में इस टाइप का मर्क्यूरी बैरोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये मर्क्यूरी बैरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है, एक्चुअली ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करने के लिए स्पेशली यूज़ होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा इमेजेस से क्लियरिटी होगी आपकी। टॉपिक हमारा है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो पॉइंट नंबर वन, इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज टू मेजर द प्रेशर आर कॉल्ड प्रेशर मीटर और प्रेशर गेज और वैक्यूम गेजेस, ठीक है। यानी वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो प्रेशर की वैल्यू मेजर करते हैं उसे हम प्रेशर मीटर और प्रेशर गेज, वैक्यूम गेज कहते हैं। देयर आर टू इंस्ट्रूमेंट विच आर कॉमनली यूज टू मेजर द प्रेशर, यानी ये दो इंस्ट्रूमेंट है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसमें से पहला क्या है, पहला है मर्क्यूरी बैरोमीटर, ठीक है, और दूसरा है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो हम मर्क्यूरी बैरोमीटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, मर्क्यूरी बैरोमीटर के बारे में कुछ डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा मर्क्यूरी बैरोमीटर के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी और फिर ये टॉपिक आपके लिए एकदम से ईजी हो जाएगा, ठीक है। आओ देखते हैं। तो बच्चों, ये मर्क्यूरी बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो कि प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हम आप देख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर का कैपिलरी ट्यूब है जिसका एक एंड क्लोज और एक एंड ओपन है। और ओपन हैंड एंड पे हम फनल पुट करेंगे और उसके बाद हम इसमें जो है फिल करेंगे मर्करी, ऊपर तक हम मर्करी फिल कर देंगे। और मर्करी फिल करने के बाद हम इसके ओपन एंड को अपने थंब से प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद इसको इन्वर्टेड पोजीशन पर उल्टे पोजीशन में रख देंगे स्ट्रॉ में, और इस स्ट्रॉ में भी मर्करी भरा हुआ है। और इसको हम लोग स्टैंड से सपोर्ट देंगे और साथ ही साथ एक स्केल भी लगी हुई है जो कि प्रेशर का वैल्यू मेज़र करेगी। थोड़ी देर के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि मर्करी का लेवल जो है डाउन होगा और उसके ऊपर जो है वैक्यूम क्रिएट होगा, खाली जगह हो जाएगी, ठीक है। देख सकते हैं आप मर्करी का लेवल डाउन हो रहा है। तो ये मर्करी का लेवल कितना डाउन हुआ, ये 76 सेंटीमीटर ये मर्करी का लेवल डाउन हुआ है, यानी अंदर वैक्यूम क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो हम इसको जो है 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, मिलीमीटर में। और इसको हम 760 mm ऑफ मर्करी भी कहते हैं। और ये जो ऊपर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट साइंटिस्ट एवेंजेलिस्टा टोरेसिली ने इन्वेंट किया है, इसीलिए हम इसको टोरिसिलियन वैक्यूम भी कहते हैं। जो वैक्यूम क्रिएट हुआ ऊपर उसे हम टोरिसिलियन वैक्यूम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं साइंटिस्ट टोरिसिली। ओके बच्चों, आपने ये वीडियो देखा, बहुत सी बातें आपको ऑलरेडी समझ में आ चुकी होगी। अब हम मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अपने टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है, मर्क्यूरी बैरोमीटर। तो बच्चों, पॉइंट नंबर वन, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है उसी को हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर नाम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं मर्क्यूरी भरा हुआ है। मर्क्यूरी प्रेशर फाइंड आउट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है मर्क्यूरी बैरोमीटर। पॉइंट नंबर टू, द फर्स्ट बैरोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय इटालियन साइंटिस्ट टोरेसिली, ठीक है। तो बच्चों, इनका पूरा नाम है एवेंजेलिस्टा टोरेसिली, यानी इस इंस्ट्रूमेंट को पहली बार जो इन्वेंट किया, इजाद किया, इनका नाम साइंटिस्ट
एवेंजेलिस्टा टॉरिसिली है. पॉइंट नंबर थ्री, द बैरोमीटर इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लास ट्यूब ऑफ अबाउट 1 मीटर लेंथ एंड डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर. यानी ये जो कैपिलरी ट्यूब है बच्चों, इसका जो लेंथ है 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर है, और इसका जो डायमीटर है ये है 1 सेंटीमीटर का. एंड इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ मर्क्यूरी एंड प्लेज अप साइड डाउन इन्वर्टेड इन अ स्मॉल डिश कंटेनिंग अ मर्क्यूरी एज शोन इन फिगर. आपने वीडियो में देखा भी था, पहले हमने क्या किया, इसमें पूरा मर्क्यूरी फिल किया. मर्क्यूरी फिल करने के बाद उसको आपने अंगूठे से दबाया आपने, और इसको उल्टा इन्वर्टेड करके, उल्टा करके आपने इस डिश में जिसमें ऑलरेडी पहले से थोड़ा मर्क्यूरी भरा हुआ था उसमें हमने इसको डुबो दिया, ठीक है. और जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, तो पॉइंट नंबर फोर, द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन अ ग्लास ट्यूब लोअर्स एज सम मर्क्यूरी स्पिल्स इन द डिश. यानी आपने देखा कि कुछ देर के बाद इस ट्यूब में जो मर्क्यूरी भरा हुआ था उसका लेवल नीचे आ गया, लोअर्स, ठीक है. इसमें से क्या हुआ, कुछ मर्क्यूरी इस डिश में चला गया, ठीक है, स्पिल्स इन द डिश, ओके. देन पॉइंट नंबर फाइव, अ गैप इज क्रिएटेड बिटवीन द सरफेस ऑफ मर्क्यूरी इन द ग्लास ट्यूब एंड क्लोज एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. यानी ये मर्क्यूरी का सरफेस है, ठीक है, मर्क्यूरी का लेवल, और ये जो है क्लोज एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. आप देख सकते हैं, द गैप इज क्रिएटेड बिटवीन द सरफेस ऑफ द मर्क्यूरी इन द ग्लास ट्यूब एंड क्लोज एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. तो ग्लास ट्यूब के क्लोज एंड पे और मर्क्यूरी के सरफेस पे गैप क्रिएट हो गया है, यानी एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, ठीक है. यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एयर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. तो पॉइंट नंबर सिक्स में बोला, द गैप डज नॉट कंटेन एनी एयर. इस गैप में किस कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड टॉरिसिलीज वैक्यूम. तो इसे टॉरिसिलीज वैक्यूम भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि दिस इंस्ट्रूमेंट इज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट टॉरिसिली, इसलिए इस जो वैक्यूम क्रिएट हुआ इसका नाम क्या दे दिया, टॉरिसिलीज वैक्यूम. इट डज कंटेन सम मर्क्यूरी वेपर्स. हम यहां बोल सकते हैं कुछ मर्क्यूरीज के वेपर होंगे बस, ठीक है, एयर तो यहां पर नहीं है, एयर मॉलिक्यूल नहीं है यहां पर. पॉइंट नंबर सेवन में, देयर फोर प्रेशर एट पॉइंट ए इज जीरो. तो बच्चों जब यहां पर कोई एयर नहीं है तो इस एयर मॉलिक्यूल नहीं है तो प्रेशर भी नहीं होगा यहां पर. तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट ए व्हिच इज इक्वल टू जीरो. तो क्योंकि प्रेशर जो है एयर एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, एयर की वजह से होता है. जब कोई एयर यहां पर है ही नहीं तो यहां पर आपने जो पॉइंट ए कंसिडर किया है इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई, जीरो. ओके, आगे बढ़ते हैं. देन पॉइंट नंबर एट में आप देखो बच्चों, पॉइंट बी एंड सी आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, हेंस एट दीज पॉइंट प्रेशर आर इक्वल. तो बच्चों जब आपने इसको जो है उल्टा इस कंटेनर में डाल दिया, इस ठीक है जिसमें ऑलरेडी पहले से मर्क्यूरी भरा हुआ था, आपने देखा लेवल डाउन हुआ, लेवल डाउन हुआ, तो आपने यहां पर एक पॉइंट ए कंसिडर किया, इसका नाम ए दे दिया, ठीक है. देन आपने उसी कैपिलरी ट्यूब में नीचे एक पॉइंट बी ले लिया, किसके लेवल में, जो बाहर कंटेनर में जो मर्क्यूरी है उसी के लेवल में आपने एक पॉइंट बी कंसीडर कर लिया, और मर्क्यूरी लेवल जो कंटेनर में है उसके सरफेस पे एक पॉइंट सी और यहाँ पर भी एक पॉइंट सी बोल दिया, क्योंकि दोनों चूंकि ये मर्क्यूरी कंटेनर के अंदर का जो लेवल है तो सेम ही होगा, इसीलिए दोनों को एक ही नाम दिया पॉइंट सी. और जो कैपिलरी के अंदर सी के लेवल पे एक पॉइंट बी हमने कंसीडर किया, तो ठीक है. तो ये आपका डायग्राम हो गया, और आप देख सकते हैं कि पॉइंट बी से लेके पॉइंट ए तक का जो हाइट है वो एच हमने इसको दिया, ठीक है, इसको हम डेप्थ भी बोल देंगे. ओके, तो अब बात को समझते हैं कि उसने बोला पॉइंट बी एंड सी आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. आप देख सकते हैं बी और सी का लेवल सेम है, एक ही लेवल है दोनों का, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, हेंस एट दिस पॉइंट प्रेशर आर इक्वल. तो दोनों पॉइंट पे प्रेशर का वैल्यू सेम होगा, जो प्रेशर पॉइंट सी पर होगा वही प्रेशर पॉइंट बी पर होगा. तो प्रेशर एट पॉइंट बी विच इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है, चाहे तो आप इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दो. पॉइंट नंबर नाइन, एज पॉइंट सी इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर. आप देख रहे हैं कि पॉइंट सी एटमॉस्फेयर में है, यानी एयर मीडियम से टच है, ठीक है, तो एयर मॉलिक्यूल से टच है, तो मतलब इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज हो रहा है. तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट सी कहाँ है, इट इज़ इन द एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर हुआ, तो बच्चों यहाँ पर हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिनोटेड बाय पी नॉट. तो पॉइंट सी पर कौन सा प्रेशर हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट पॉइंट सी व्हिच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देयरफॉर वी कैन से दैट द प्रेशर एट पॉइंट सी which is equal to atmospheric pressure. यानी पॉइंट सी पे कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको मैं इक्वेशन नंबर टू बोल देता हूँ. तो बच्चों
दो बातें हुई, आपने देखा कि पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों का प्रेशर सेम है, फिर आपने देखा कि पॉइंट सी पे कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बच्चों जब पॉइंट सी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो पॉइंट बी और सी का तो वैल्यू सेम है ना, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि पॉइंट बी भी क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ। इसीलिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि पॉइंट बी पे भी कौन सा प्रेशर आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्यों हुआ, क्योंकि बी और सी दोनों का प्रेशर का वैल्यू सेम है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 10 में देखते हैं, सपोज पॉइंट बी इज एट द डेप्थ एच बिलो द पॉइंट ए। तो बोलता है पॉइंट बी मान लो कि पॉइंट ए से कितने गहराई में है, एच गहराई में है, ठीक है, डेप्थ में है। देख सकते हैं आप यहां से यहां तक का हाइट कितना है, डेप्थ बोल दिया हमने इसको, एच है ए से लेके बी तक का, ठीक है। एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, इस मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी है, रो, ठीक है। तो बच्चों डेरिवेशन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड कॉलम, ठीक है, उसका हमने डेरिवेशन ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, क्या फॉर्मूला मिला था आपको मालूम भी है कि पी बी इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो इन टू जी, वेयर पी बी इज द प्रेशर इन साइड द लिक्विड एंड पी ए इज द प्रेशर इट इज ऑन द सर्फेस एंड एच रो इन टू जी। तो बच्चों ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमको पहले डेरिवेशन से पता ही है। ओके, अब हमने क्या किया, आपको स्टार्ट में पहले ही हमने देख चुके हैं कि पॉइंट ए पर प्रेशर एट पॉइंट ए विच इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एयर मॉलिक्यूल नहीं है, वैक्यूम है, इसीलिए पॉइंट ए पर कोई प्रेशर नहीं था, ये हम इससे पहले वाले स्लाइड में देख चुके हैं। तो पी ए का वैल्यू जीरो है हमको पता है, और पी बी का वैल्यू क्या आया है, पी बी का वैल्यू आ चुका है पी नॉट। अब ये दोनों भी वैल्यू हमें काम करते हैं इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आप जब दोनों वैल्यू इक्वेशन में पुट करोगे तो बच्चों पी ए का वैल्यू तो जीरो, पी बी की जगह मैं क्या लिखूं, पी बी की जगह लिखता हूं मैं पी नॉट, और पी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच इंटू रो इंटू जी, यानी आपको पी नॉट का वैल्यू मिला विच इज इक्वल टू एच रो जी। तो बच्चों दिस इज द फॉर्मूला इज फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी नॉट विच इज इक्वल टू एच इंटू रो इंटू जी। तो ये हो गया बच्चों आपका टॉपिक। अगर आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो बच्चों ये पॉइंट्स, ये वाला पूरे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे और डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये छोटा सा मैं बोल सकता हूँ कि छोटा सा फॉर्मूला है, इतना ही काम आपको करना है। ओके बच्चों, अब मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नीट जेई और अनदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, बस ध्यान दो, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज अ लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन अ बैरोमीटर। अभी आपने देखा कि जो मर्क्यूरी कॉलम का ये जो लेंथ, यानी सरफेस से लेके इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जितना लेवल तक ये उठा था, ये आपको कितना मिला था, 76 सेंटीमीटर आपको ये वैल्यू मिला था। तो इसी के लेंथ से हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू मिल जाता है। तो कितना मिला था आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जिसको हम अगर मिलीमीटर में लिखेंगे तो 760 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है, ठीक है। एंड अनदर यूनिट ऑफ मेजरिंग द प्रेशर इज टॉर, और इसका जो दूसरा यूनिट है प्रेशर मेजर करने का वो टॉर है, और 1 टॉर विच इज इक्वल टू 1 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो बच्चों ये जो टॉर है, ये यूनिट टॉर जो है, साइंटिस्ट टॉरिसली के नाम से ही ये पड़ा है टॉर। तो 1 टॉर का वैल्यू कितना है, 1 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो बच्चों अभी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको मिला, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि पी एटमॉस्फेरिक विच इज इक्वल टू क्या मिला था, इट इज अ 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। ओके, तो बच्चों ये 1 mm ऑफ मर्क्यूरी विच इज इक्वल टू कितना, 1 टॉर, तो mm ऑफ मर्क्यूरी के बदले आप क्या लिख सकते हैं, टॉर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 760 टॉर। ओके, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू हम टॉर में भी लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसा यूनिट नहीं है, इट इज नॉट अ ऐसा यूनिट। तो आमतौर पर हम जब प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करते हैं तो हम इसको इस यूनिट में नहीं लिखते। ओके, अब दूसरी इंफॉर्मेशन इसमें मैं आपको देता हूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू हम जनरली जब प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम वैल्यू जो लेते हैं वो ये लेते हैं कि प्रेशर फाइंड आउट करने का जनरल फार्मूला है पी इज इक्वल टू एच इंटू रो इंटू जी, ये प्रेशर फाइंड आउट करने का जनरल फार्मूला है। तो बच्चों अब यहाँ पर आपने देखा कि इस सरफेस से लेके यहाँ तक का जो हाइट है वो एच से हम दिखाते हैं, ठीक है, और ये हाइट अपने को कितना मिला था, ये 76 सेंटीमीटर मिला था। अगर इस हाइट को हम मिलीमीटर में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो एच का वैल्यू हो जाता है ये 760 मिलीमीटर होता है, ठीक है।
अगर आप इसको मीटर में, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हम जनरली मीटर में चलते हैं, तो 10^-2 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपको 0.76 मीटर हो जाएगा। ओके अच्छा, अब डेंसिटी एच मालूम पड़ गया, रो का वैल्यू, डेंसिटी ये किसका डेंसिटी है, ये प्योर मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना होता है, इट इज़ अ 13.69, कितना होता है 13.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हम इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये 13600 ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। और अब जी का वैल्यू जनरली फॉर द सी लेवल इट इज 9.8 है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी का वैल्यू हो गया। ओके तो बच्चों जब ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे इसके अंदर प्रेशर के इस फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू एच का वैल्यू कितना आया आपको 0.76, ठीक है, डेंसिटी का वैल्यू 13600, ठीक है, और जी का वैल्यू इट इज 9.8, और जो सारा यूनिट्स जो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको फाइनली जो यूनिट मिलेगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मिलेगा, ठीक है। यानी ये सारी वैल्यू को आप लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, आपको वैल्यू मिलेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए विच इज इक्वल टू इट इज अ 1.013 इंटू 10^5, ठीक है, और यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको मालूम है, ये यूनिट के बारे में हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पास्कल, इसको हम पास्कल भी कहते हैं। तो बच्चों तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि पी एटमॉस्फेरिक विच इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10^5 पास्कल्स भी लिख सकते हैं। ओके और बच्चों और एक्यूरेसी के लिए जो जनरली हम लोग वैल्यू यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू, इट इज 1.01325 इंटू 10^5 पास्कल, ठीक है। तो बच्चों ये यूनिट की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हम लोग जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू कंसिडर करते हैं इट इज 1.01325 इंटू 10^5 पास्कल्स। ओके तो ये था बच्चों आपका पूरा जो है इस मर्क्यूरी बैरोमीटर के बारे में, और साथ साथ में ये जो लास्ट में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है प्रॉब्लम सॉल्व करने के हिसाब से, और फिर नीट और जेई में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी जो है इसके बेस पे अगर क्वेश्चन आए तो सारा वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैं स्टॉप करता हूँ, गुड बाय।